फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम प्रिपरेशन पे। मैं अली हैदर, जैसा आप जानते हैं, मैं आपको सीटेट की तैयारी करा रहा हूँ इस चैनल के माध्यम से। और सीटेट में देखिए, हम लोग जो सीरीज़ लेकर आए हैं, हमने उसका नाम रखा है मिशन सीटेट। और आज हम CDP यानी चाइल्ड डेवलपमेंट एंड साइकोलॉजी, बाल विकास और मनोविज्ञान का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है लर्निंग अधिगम, उसके जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं दोस्तों, उसको डिस्कस करेंगे। देखिए, इसका जो थियोरेटिकल पार्ट है, जिसके परिभाषाएं हैं, सिद्धांत हैं, विशेषताएं हैं, वो हम पहले पढ़ चुके हैं। वो पार्ट वन है, उसका लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। ये पार्ट टू है, जिसमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं अधिगम के, उनको डिस्कस करेंगे। दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, सीखने की वह अवधि जब सीखने की प्रक्रिया में कोई उन्नति नहीं होती क्या कहलाती है, यानी वह समय जब इंसान कुछ नया नहीं सीखता है तो उसको क्या कहते हैं। तो उस समय को कहते हैं सीखने का पठार। पठार का मतलब रुकावट भी हो जाता है, अपनी सरल भाषा में कहेंगे उसको कि रुकावट, मतलब इंसान कुछ नहीं सीख रहा उसमें। वह समय जिसमें बच्चा या व्यक्ति कोई नया अनुभव प्राप्त नहीं कर रहा है, यानी उसके अधिगम में कोई वृद्धि नहीं हुई है, तो उस अवधि को कहते हैं सीखने का पठार। दूसरा क्वेश्चन है, एक बालक जो साइकिल चलाना जानता है, मोटरसाइकिल चलाना सीख रहा है, यह उदाहरण होगा। मान लीजिए कोई व्यक्ति है जिसको क्या है, बालक को साइकिल तो आती है, मोटरसाइकिल चलाना सीख रहा है, ठीक है, तो वो ऊपर की तरफ को बढ़ रहा है, ठीक, मतलब छोटे से ऊपर की तरफ को जा रहा है, ऊर्ध्वाधर जा रहा है। कैसा जा रहा दोस्तों, ऊर्ध्वाधर, तो ठीक है, उर्ध्व अधिगम अंतरण, मतलब अंतरण समझते हैं, ट्रांसफर हो रहा है कि थोड़ा जानता था, ऊपर को जाना सीख रहा है, ऊपर चढ़ रहा है, तो वो मतलब एक तरह से आप कह सकते हैं प्रोग्रेस कर रहा है अपने अधिगम में, तो इसको कहेंगे उर्ध्व अधिगम अंतरण। अगला क्वेश्चन है, जब मानव शरीर के एक भाग को दिए गए प्रशिक्षण का अंतरण दूसरे कामों में होता, मान लीजिए एक भाग को, जैसे हमारा हाथ है, ठीक, इसको हमने कुछ काम करना सिखाया, अब उसी को, उसी हाथ के माध्यम से कोई व्यक्ति दूसरा काम भी कर रहा है, या मैं ही दूसरा काम कर रहा हूँ, ठीक है, तो उसका जो यूज़ है दिए गए प्रशिक्षण का, वो दूसरे कामों में होने लगे, तो उसको कहते हैं द्विपार्श्विक अंतरण। मतलब द्वि का मतलब दो, यानी कि उसका जो काम है वो दो प्रकार से किया जाने लगा। मिशन एक था, उसका उद्देश्य एक काम के लिए था, प्रशिक्षण एक भाग को दिया गया था, लेकिन जो काम है वो दो प्रकार से होने लगा। अगला है, यदि पूर्व ज्ञान और अनुभव, किसी व्यक्ति को जो पुराना ज्ञान है और अनुभव जो है वो नए प्रकार के सीखने में सहायता करें, यानी इंसान आप कुछ पुराना जानते हैं, अनुभव भी है, ज्ञान भी है, अब आप कुछ नया सीखना चाहते हैं, ठीक है, जैसे कुछ भी काम है उसमें आपको पुराना अनुभव भी है, ज्ञान भी है, अब आप नया सीखना चाहते हैं, तो पुराना ज्ञान आपकी जो सहायता कर रहा है तो उसको क्या कहते हैं, ठीक है, उसको कहते हैं सकारात्मक प्रशिक्षण स्थानांतरण। स्थानांतरण का मतलब होता है, इंग्लिश में ट्रांसफ़र कहते हैं इसको, कि मतलब चीज़ यहाँ से वहाँ स्थानांतरित हो चुकी है। अब स्थानांतरित क्या हुई है, अनुभव स्थानांतरित हुए, उसके जो जानता था, जो ज्ञान था, उसका स्थानांतरण हुआ, सीखने में उसने हेल्प की है, इसलिए क्या है वो सकारात्मक है, पॉजिटिव है। तो अगला क्वेश्चन है आपका पांचवा, एक परिस्थिति में अर्जित ज्ञान का दूसरी परिस्थिति में उपयोग क्या कहलाता है, अर्थात इंसान ने, व्यक्ति ने एक परिस्थिति में कोई ज्ञान अर्जित किया, उसी ज्ञान का उपयोग वो दूसरी परिस्थिति में अगर करेगा तो सिंपल सी बात है कि वो अधिगम का स्थानांतरण हुआ है, जो उसने सीखा है उसी का ट्रांसफर हो गया। अगला क्वेश्चन है, कक्षा शिक्षा में पाठ प्रस्तावना सोपान, जब क्लास टीचिंग होती है, जब हम या कोई भी शिक्षक क्लास में पढ़ाता है दोस्तों, तो उसमें जो आप देखते होंगे कि सबसे पहले होता है प्रस्तावना, ठीक है, प्रस्तावना सोपान जो स्टेप है वो किस लिए है, यानी क्लास टीचिंग में सबसे पहले जो किताबों में प्रस्तावना लिखी होती है वो किस लिए है, या किस सिद्धांत पर आधारित है अधिगम के। तो सिंपल सी बात है कि थॉर्नडाइक ने जो अपने मुख्य नियम दिए हैं, उसमें नियम होता है तत्परता का नियम, लॉ ऑफ रेडीनेस, कि बच्चा कितना तैयार है, कितना तत्पर है, प्रस्तावना पढ़कर बच्चा पाठ पढ़ने के लिए रेडी हो जाता, ये बेनिफिट होता प्रस्तावना का, ठीक, तो वो तत्पर हो जाएगा, रेडी हो जाएगा। अगला है, सीखने की प्रक्रिया में सीखने का स्थानांतरण हो सकता है, यानी कोई व्यक्ति सीख रहा है तो उसमें जो सीखने का ट्रांसफर है, ट्रांसफर ऑफ लर्निंग है, वो कैसा हो सकता है। देखिए, अगर उसने उसका अच्छे से प्रयोग कर लिया तो सकारात्मक, नहीं कर पाया नकारात्मक, बिल्कुल भी नहीं हो पा रहा है तो वो शून्य, तीनों केस हो सकते हैं। अगला है, कौन सा मत या कौन सा मनोविज्ञान
जो उस मत के मानने वाले हैं वो अंतर्दृष्टि द्वारा सीखने की व्याख्या करता है। अंतर्दृष्टि मतलब अंदर से, इनसाइड बोलते हैं इंग्लिश में। तो जितने भी हमारे गैस्टाल्ट मनोवैज्ञानिक हैं, गैस्टाल्टवाद के मनोवैज्ञानिक हैं, वो सब क्या करते हैं, अंतर्दृष्टि द्वारा सीखने की व्याख्या करते हैं। में हम 10 इंपोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं अधिगम के। देखिए 8 क्वेश्चन हमारे हो चुके हैं। 8वां क्वेश्चन हमारा ये था कि कौन सा सिद्धांत या कौन सा मत अंतर्दृष्टि द्वारा सीखने की व्याख्या करता है। तो उसका आंसर था गैस्टाल्टवाद। यानी जितने भी गैस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिक हैं, जिसमें आपका मैक्स मैक्स वर्थीमर हैं और आपके जो कर्ट लेविन है जिन्होंने क्षेत्र सिद्धांत दिया है, वो आपके सब गैस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिक हैं। अगला क्वेश्चन है कि किस मनोवैज्ञानिक ने बाल अधिगम में पुरस्कार को महत्व नहीं दिया है। यानी जो बच्चों का अधिगम है, जो सीखना है, उसमें इन्होंने पुरस्कार को यानी रिवार्ड को महत्व नहीं दिया है, जबकि ऐसा होना चाहिए। आप भी जानते हैं कि बच्चे को अगर आप पुरस्कार देंगे तो उसका अधिगम के प्रति लालसा या क्यूरियोसिटी और बढ़ेगी, ठीक है। यानी रिवार्ड देने से बच्चे में जो है सीखने के प्रति ललक पैदा होती है। लेकिन गुथरी का मानना यह था कि बाल अधिगम में पुरस्कार का कोई महत्व नहीं है। अगला लास्ट क्वेश्चन है, अल्पवयस्क बच्चों के अधिगम में अभिभावकों की भूमिका होनी चाहिए, अर्थात ऐसे बच्चे जो अल्पवयस्क हैं, ठीक, उनका जो अधिगम है, जो वो सीख रहे हैं, तो उसमें पेरेंट्स का या गार्जियंस का क्या रोल होना चाहिए। तो दोस्तों, जो बच्चा अल्पवयस्क है उसके लिए ज़रूरी है, आवश्यक हो जाता है कि उसके जो अभिभावक हैं वो उसका सपोर्ट दें, उसको सहारा दें। तो उसकी जो भूमिका है, रोल ऑफ गार्जियन या पेरेंट्स है आपका, वो कैसा होगा, अग्रसक्रिय होगा। यानी उनको बहुत एक्टिव रहना पड़ेगा अपने बच्चे को अधिगम अगर कराना है, सिखाना है। तो दोस्तों, आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, इसके बारे में आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में दें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें।